गाइस वेलकम बैक। एंड भाई साहब यहाँ पे मिशन रानीगंज, गाइस हमारी एक ऐसी मिशन जिसको लोगों ने कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली बट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की शुरुआत कर दी है। देखो यार, एक डाउट था हर किसी के अंदर कि इस मूवी के लिए प्रमोशन क्यों नहीं किया गया, अक्षय पाजी प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे। एंड इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं भाई साहब, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे नंबर वन के जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रहे हैं लगभग 2.8 करोड़ तक। हालांकि ऑफिशियल कलेक्शन शेयर नहीं किए जा रहे हैं, अब देखते हैं कब तक लोग शेयर करते हैं, बट फिलहाल इसमें शेयर नहीं किए जा रहे हैं। और कुछ यहाँ पे पेड वैसे क्रिटिक्स जो हमेशा अक्षय कुमार की मूवीज से थोड़ा कम कलेक्शन दिखाते हैं, तो उनकी बात ही अलग है। यहाँ पे एक 2.8 करोड़, तो उन लोग के आंकड़े में भाई साहब 2.6-2.7 होगा, ये जाहिर सी बात है, ये हर कोई जानता है, ये सच्चाई है। मैंने आपको बताया था OMG 2 के भी टाइम इन लोगों ने ऐसा काम किया था, प्रोड्यूसर फिगर कुछ और थे, इनके फिगर्स कुछ और होते हैं, हमेशा से इन लोगों का ऐसा सीन है ही है। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे PR। सो भाई साहब PR का सीन ऐसा है कि इस मूवी को PR नहीं किया गया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ना अक्षय बाजी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का बिलीफ था कि ये मूवी मेरी ऐसी है जो कंटेंट के भरोसे चलेगी। यार आप लोग जानते हो कि यार अक्षय बाजी ने सेल्फी के टाइम पे कितना प्रमोशन किया था, कितने ज़्यादा दिल खोल के प्रमोशन किया था, बट हुआ क्या, पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनको ही मालूम पड़ चुका है कि आज के समय प्रमोशन का डिमांड नहीं रहा। आज देखो सिंपल सी बात है यार, किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान की मूवी कितना प्रमोशन किया गया था, क्या कुछ किया गया था, बट उसके बावजूद रिजल्ट क्या हुआ, हकीकत है। आज के समय ये सच्चाई है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, बड़े सच्चाई है, प्रमोशंस मैटर ज़्यादा नहीं करते। देखो प्रमोशंस का एक अलग केस है कि वो किस केस में मैटर करेंगे, वैसे वो मैटर करते हैं अगर आपकी कोई एक्शन मूवी आ रही है जिसके अंदर नाच है, गाना है, एक्शन है, कूद है, लड़ाई है, दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर आप अगर प्रमोशन ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। एंड यहाँ पर इन्होंने अक्षय पाजी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर चीज़ें साफ साफ कही हैं कि उन्होंने प्रमोशन क्यों नहीं किया, वो सेल्फी वगैरह का उन्होंने एग्जांपल दिया, उन्होंने सब चीज़ें बताई। एंड साथ ही में उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेट भी किया अपने को कि जिन मूवीज़ के अंदर एक्शंस होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। इट मीन्स थोड़ा सा भरोसा रखो कि कहीं ना कहीं उनको मालूम है किस मूवी को ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है, उनको मालूम है कि कौन सी ऐसी मूवी है जिसको प्रमोशन करने से वाकई में फ़ायदा होगा। मतलब हमारी जो एक्शन मूवीज़ फ्यूचर के अंदर आने वाले, चाहे बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, चाहे यहाँ पे भाई साहब रोहित शेट्टी के साथ सिंघम अगेन के अंदर अक्षय पाजी का ज़बरदस्त कैमियो हो, या फिर भाई साहब हमारे पास जो स्काई फोर्स वगैरह आने वाली मूवीज़ हो, या फिर जो बड़ी बड़ी कॉमेडी मूवीज़ हमारी, उस टाइम पर आपको प्रमोशन देखने मिलेगा, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अक्षय कुमार सर का कहना था। तो थोड़ा सा मायूस होने की जगह आई थिंक हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, और ऐसा मुझे लग रहा है शायद इस बार हो सकता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए भाई साहब, कई बार ऐसा हम लोगों ने फेस किया है कि हम लोग कई सारी ऐसी मूवीज़ को देखते हैं जो हम लोग को पसंद आती है, हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जिस समय वो मूवीज़ रिलीज़ हुई थी उस समय लोगों ने उसकी अहमियत को नहीं जाना था। एंड अगर आज के समय लोगों ने मिशन रानीगंज को सपोर्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप याद रखना कि आगे चल करके लगभग 2-3 साल बाद जब इस तरह की मूवीज़ बनाना बंद कर देंगे इंडस्ट्री वाले, क्योंकि आज जब इतना बड़ा एक्टर कर रहे हैं लोग सपोर्ट नहीं करें प्रॉपर तरीके से, डेफिनेटली आगे चल करके मिलना बंद हो जाएगा एकदम से, तब उस समय लोग इस तरह की मूवीज़ को ढूंढ ढूंढ के देखेंगे और बताएंगे कि हाँ ये ज़बरदस्त मूवी थी, ये कमाल की मूवी थी, वो एक्टर करता था, ये भाई साहब सीन हो सकता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अपने को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है, एक्शन मूवीज़ भी हैं, कॉमेडी भी, हर जॉनर की मूवीज़, तो कहीं ना कहीं अगर साइड में ये मूवीज भी लेकर के आ रहे हैं तो अपने तरफ से ट्राई करो, अगर सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट करो, वरना इग्नोर करो, सिंपल सी बात है। नहीं चलना होगा नहीं चलेंगे, वो समझ जाएंगे इन चीजों को, वो भी नहीं करेंगे जिस तरह से बाकी के एक्टर्स नहीं कर रहे हैं, बट फिलहाल के समय मूवी आया है, आपका फर्ज बनता है आप सपोर्ट करो। कई सारे ऐसे फैंस को मैं देखता हूं जो जिन्होंने मूवी खुद नहीं देखा और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर के बोलते हैं मूवी बेकार है, एक सीन उनको पता नहीं होगा कि मूवी के अंदर क्या क्या जबरदस्त गूस बम्स वाले सीन थे, बट वो डायलॉग बाजी करने आ जाएंगे कि मूवी अच्छी नहीं, इनको मूवी नहीं करनी चाहिए थी। एटलीस्ट थोड़ा ट्राई तो करो यार, थोड़ा तो ट्राई करो। अभी आप आई थिंक मेरे हिसाब से समझ नहीं पाए उस बंदे को कि ये किस लेवल का, इसको खिलाड़ी क्यों कहा जाता है, ये खिलाड़ी है भाई, इसको मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसने ये मूवीज़ दी हैं। आगे चल करके देखना 2024 के अंदर जो लाइन से आप लोग देखोगे हिट सुपर हिट के कलेक्शंस, तब आप वापस से कमबैक कर लोगे, अपने आप में आ जाओगे वापस से। अभी आप लोग को बुरा लग रहा है कि बंदा किस तरह की मूवीज़ करा, तब आप वापस आ जाओगे, ये रियलिटी, ठीक है। सो अभी के इसमें थोड़ा सपोर्ट करो, कलेक्शंस कमारे, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं इनको थोड़ा भरोसा रखो कि यार ये बंदे को मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूजा एंटरटेन ने प्रमोशन नहीं की, OMG 2 के टाइम पे भी अक्षय कुमार ने प्रमोशन नहीं किया था, बट OMG 2 की टीम ने प्रमोशन किया था, लेकिन यहाँ पर अक्षय पाजी ने प्रमोशन नहीं किया सेम, और पूजा एंटरटेनमेंट ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो अब यहाँ पर कंटेंट जो करेगा वो करेगा, चाहे कम कलेक्शंस आए चाहे ज़्यादा कलेक्शंस आए, बट इन रियलिटी कंटेंट ने हिट किया है ऑडियंस को, जिसने भी देखा है उसने सपोर्ट किया है। आप भी जाकर के देखो, आपको भी पसंद आएगी। ज़्यादा कुछ बोला नहीं अब इसके लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।